हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लुक का उसका 16वां अध्याय 13वां अध्याय लुक का 13 और हम पढ़ेंगे पहले पद से लेकर उसके 5वें पद तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिरों का घूंघट गिरा और वे 10 दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नष्ट होगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज भी फिर एक बार बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते हैं वो हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के राज के वारिस हो सके। बाइबल में परमेश्वर का एक दास स्तिफनस, वो एक सम्मान लेकर चले गए और वो सम्मान है कि मसीह में सबसे पहले शहीद होना। प्रभु यीशु के आने के बाद जो कलीसिया की शुरुआत हुई उसमें सबसे पहले जो शहीद हुए वो है स्तिफनुस। स्तिफनुस की मौत जो है बहुत ही दर्दनाक हुई थी। उस वक्त जो यीशु मसीह को मानते थे उनको मार दिया जाता था। प्रभु उसने भी बोला था कैसा तुम्हारे साथ होगा, मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। और ऐसा होता था, लोग परमेश्वर को मानने वाले से बैर रखते थे और उनको जेल में डाल देते थे, उनके ऊपर कोड़े बरसाते थे और यहाँ तक कि उनको ख़त्म भी कर देते थे। और स्तिफनुस जो है वो सबसे पहले शहीद हो गए। स्तिफनुस को इस तरह से मार दिया गया कि उनको शहर से बाहर निकल गए और उनको बीच में रखकर चारों ओर लोग खड़े हो गए और उनके ऊपर पथराव किया। जिसके हाथ में जैसा भी पत्थर आया होगा वैसे पत्थर से उन लोगों ने स्तिफनुस को मारा और स्तिफनुस की मौत पत्थर के मार खाने से हो गई। एक पत्थर से नहीं लेकिन सभी लोगों ने पत्थर मारे उसकी वजह से। अभी सोचो कि चारों ओर से लोग किसी के ऊपर पथराव करते हो, पत्थर मार रहे हो, तो उसको कितना दर्द होगा, उसकी हालत कैसे हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि लोग बारी बारी से पत्थर मार रहे, सभी एक साथ में पत्थर मार रहे। किसी का सर पर लगता होगा, किसी का हाथ पर पत्थर लगता होगा, किसी का पैर पर लगता होगा, किसी का पेट पर लगता होगा, किसी का पीठ पर लगता होगा, लहू निकलता होगा। कैसी हालत उस वक्त स्तिफनुस की होगी। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 59 और 60 पद। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हाँ, बाइबल में लिखा है कि लोग स्तिफनुस के ऊपर पत्थर वा करते थे, पत्थर मार रहे थे और तभी स्तिफनुस प्रार्थना कर रहे थे। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ, उन्होंने प्रार्थना की स्तिफनुस ने कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण करो, मेरी आत्मा को स्वीकार करो। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा। हाँ, और घुटनों के बल आए और हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। हाँ, और उन्होंने प्रार्थना की घुटनों के बल आकर, हे प्रभु इनके ऊपर मेरी मौत का दोष जो है वो ना लगाना। अब ध्यान से समझना कि स्टेफन उसके ऊपर चारों ओर से लोग पत्थर मार रहे। जब चारों ओर से पत्थर मार रहे तो इंसान की हालत क्या होगी?
समझो कि एक पत्थर अगर सर के ऊपर आ गया इंसान का आ, और तभी दूसरा पत्थर आ गया हाथ पर आ, वो तो ऐसे हिलता डुलता रहेगा, वो तो कभी इधर कभी उधर। लेकिन स्टेफनस के बारे में ऐसा लिखा है कि उस वक्त स्टेफनस प्रार्थना करने लगे जब चारों से पत्थर मार रहे और घुटनों के बल आए, और घुटनों के बल आकर उन्होंने प्रार्थना की। तो क्या ये संभव है कि जब चारों ओर से कोई पथराव कर रहा हो, चारों ओर से लोग पत्थर मार रहे हो, और कोई इंसान जो है ऐसी परिस्थिति में वो घुटनों के बल आकर वो प्रार्थना कर सके? क्या ऐसा होना मुमकिन है, संभव है? क्या कोई इंसान इस तरह से बिंदास से प्रार्थना कर सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा कह सकता है कि हे मेरे प्रभु, मेरे खून का दोष उनके ऊपर मत लगाना? क्या कोई ऐसे वक्त पर प्रार्थना कर सकता है परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण करो? लेकिन यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताना पड़ी कि उसके कौड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया, प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया। इसका मतलब अब इंसान को दुख नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया। इसका मतलब जो दुख हम पर आने वाले थे वो सारे दुखों को हमारे प्रभु यीशु ने उठा लिया। और इसलिए प्रभु यीशु तो बोलते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा कर आए, मतलब अपनी मौत हाथ में लेकर आए। प्रभु यीशु कहते हैं कि लोग तुमसे बैर रखेंगे मेरे कारण, लेकिन सच बात यह है कि जब हम प्रभु यीशु के पीछे पूरे विश्वास के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु के पीछे पूरे विश्वास से हम जाते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? कभी भी कोई भी सतावट हो, कभी भी कोई भी हमें मारे, तो उसका जो दर्द होना चाहिए वो दर्द हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को उठा ही लिया है। स्पष्ट लिखा है, जब उन्होंने उठा ही लिया तो हमें दुख क्यों होगा, हमें दर्द क्यों होगा? हाँ, जिन लोगों ने मन नहीं फिराया, जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं मानते नहीं, उनको तो दुख उठाना ही है। लेकिन जब आप परमेश्वर के नाम से दुख उठाते हो, परमेश्वर के नाम से अगर आपकी सतावट होती है, तभी कोई भी दर्द जो है वो हमारे जीवन में होता नहीं है। हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी आती है, लोगों को भी परिस्थितियाँ दिखाई देती है, लेकिन सच में परमेश्वर ने हमारे दुखों को उठा लिया है, इसलिए होता कुछ नहीं है। कुछ वर्षों पहले IS नाम की जो संस्था, जो आतंकवादी संगठन है, उन लोगों ने मसीह लोगों को मारना शुरू किया और उन्होंने एक बार तकरीबन 21 लोगों को मार दिया। 21 लोगों को वो लोग समुंदर के किनारे लेकर गए और उनको घुटनों के बल बिठाया, उनके हाथ पीछे से बांध दिए और उनकी गर्दनें काट दी गई। और ये वीडियो उन्होंने वायरल भी कर दिया। ये वीडियो मैंने भी देखा, जब मैंने देखा मैंने तो बता दिया ये फेक वीडियो है, क्योंकि जब उनको काट रहे थे, उनके गले काट रहे थे, वो इंसान वैसे के वैसे, नाखून में तड़प, कुछ भी नहीं। जब गला काटते हैं तो कितना दर्द होता है, इंसान तड़प कर मरता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की तड़प नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद मुझे अहमदाबाद जाना हुआ और अहमदाबाद में परमेश्वर की एक दासी है और उनका नाम है विमला बहन, और परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग उनके पास प्रार्थना के लिए जाते हैं। मेरा उनसे मिलना हुआ और जब मैं उनके साथ बैठा था और तभी उन्होंने एक विजन की बात की, बोले स्टेली भाई मुझे एक विजन हुआ था। उन्होंने कैसा विजन? बोले आतंकवादी लोग जो थे वो तकरीबन 21 लोगों को ऐसे समुंदर के किनारे लेकर जाते हैं और उनका गला काट देते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया, जब उनका गला काट रहे थे उससे कुछ ही पल पहले
एक दो पल पहले ही उन सभी के आत्मा को अपने पास बुला लिया और बोले जब वो लोग काट रहे थे तब तो सिर्फ शरीर रहा था, वैसे ही मर चुके थे, उनका सिर्फ शरीर रहा था, परमेश्वर ने आत्मा निकाल दिया था। और बोले उसके कुछ दिन पश्चात ये घटना सही में हो गई और बोले मैंने वीडियो भी देखा तो बोले मैंने देखा ये तो मेरे दर्शन में देखा था और तब मैं इतना आनंद से भर गया, मुझे परमेश्वर का ये वचन याद आ गया कि परमेश्वर ने अपने हमारे दुखों को उठा लिया है। और सच में परमेश्वर ने दुखों को उठा लिया, मैं तो फेक वीडियो समझा था, लेकिन परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने उनका दुख उठा लिया है, इसलिए उनको कुछ भी हानि होने नहीं दी, उनको कुछ भी दुख जो है वो नहीं होने दिया। स्टेफनस भी मरते वक्त वो प्रार्थना कर रहे, घुटनों के बल बैठ रहे, वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण करो, क्योंकि जो भी पथराव हो रहे वो उनके ऊपर ही हो रहे, लहू भी निकल रहा है लेकिन दर्द कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने सारा दर्द जो है वो अपने ऊपर वो पूर्ण रीति से उन्होंने ले ही लिया है। वो तो कहते हैं कि जब तुम भुगतते हो तब बोले मेरे दुखों के सहभागी हो, लेकिन हम इतने योग्य है ही नहीं कि हम परमेश्वर के दुखों के सहभागी बने, लेकिन वो तो परमेश्वर है कि जिन्होंने हमारे दुखों को पहले ही अपने ऊपर ले लिया। लेकिन स्टेफन उस मरते वक्त पूरी तसल्ली में है, उनको पक्का मालूम है कि मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, उन्होंने स्वर्ग को खुला हुआ भी देखा, उन्होंने पिता परमेश्वर को भी देखा, उन्होंने दाहिने और प्रभु यीशु को भी देखा और उनको देख कर वो बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा जो आत्मा है उसको ग्रहण करो। उनको कोई शक नहीं है कि स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे, उनको पक्का पता है कि परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग जो है वो स्वर्ग खोल कर ही रखा है। पौलुस ने बहुत ही काम किया, बहुत ही सुसमाचार फैलाए और उन्होंने जब तीमोथियस को पत्र लिखी तो उसमें ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा तीमोथी उसका 4 अध्याय और 6, 7 और 8 पद। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का, दूसरा तीमोथी 4 अध्याय 8, 6 से 8, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। पौलुस ऐसा बोलते हैं मेरे कुछ का समय मतलब मेरे मरने का वक्त आ चुका है, एडवांस में पता है कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे मरना होगा, मेरे कुछ का वक्त मतलब यहाँ से स्वर्ग में जाने का वक्त आ चुका है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुकी है, फिर मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मतलब परमेश्वर की ओर से मुझे जो काम मिला था वो काम मैंने पूरा कर दिया। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हाँ, वो बोल रहे कि मेरे लिए धर्म का मुकुट मतलब स्वर्ग में जाने का जो मुकुट है वो मेरे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। पौलुस को यहाँ पर किसी भी तरह का शक नहीं, कोई भी डाउट नहीं कि क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, मैं स्वर्ग में जा सकूँगा या नहीं जा सकूँगा, और एडवांस में ये भी पता है मैं मरने वाला हूँ, मेरे कुछ का वक्त जो है वो आ चुका है। उनको ये भी मालूम है कि अब मेरी मौत आने वाली है, साथ में उनको ये भी मालूम है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में ही जाने वाला हूँ, कोई भी शक नहीं, पूरी तसल्ली कि हाँ मैं जाने वाला हूँ स्वर्ग में। इसलिए एक बार जब पौलुस वो फिलिपुस के घर गए थे तब वहाँ पर अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता आया था और उसने ऐसा किया कि पौलुस का जो बेल्ट था वो ले लिया, उसे अपने हाथ पैर बांध ली और बोला जिसका बेल्ट है उसको यरूशलेम में इस तरह से बांध दिया जाएगा। तो सभी रोने लगे, सभी पौलुस को बोलने लगे पौलुस यरूशलेम को मत जा, यरूशलेम को मत जा, तुझे बांध दिया जाएगा। पौलुस बोलते नहीं, मैं तो जाऊँगा। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 21 अध्याय और उसका 13 पद, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, पौलुस तो कहते रोते क्यों हो, मेरा दिल क्यों तोड़ रहे,
मैं तो यरूशलेम में सिर्फ बंधवाने के लिए नहीं, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। क्यों पौलुस ऐसा बोल रहे हैं? उनको मालूम कि परमेश्वर ने मेरे दुखों को उठा लिया है, बस मुझे कुछ तो होने वाला नहीं, चाहे वो लोग मारे, जेल में डाले, कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना। दूसरी बात, उनको ये भी मालूम है कि जब तक इंसान का काम पूरा नहीं होगा, जिस कारण से परमेश्वर उसको चुना है, जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक वो मरेगा भी नहीं। पौलुस सब जानते हैं, इसलिए पौलुस बोलते हैं कि डरो नहीं, रो भी मत, मैं तो जाऊंगा, मैं तो मरने के लिए भी मैं तो तैयार हूँ। क्योंकि उनको वचन से इतना मालूम है कि जब तक मैं परमेश्वर का काम पूरा नहीं कर लूँगा तब तक नहीं मरूँगा। लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ, उन्होंने पत्र लिखकर बता दिया, अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है, अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो मुकुट है वो मुकुट मुझसे मिलने वाला है। मौत तो है, और मत्ती में लिखा है उसका 24वां अध्याय और उसका 9वां पद, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, अगर परमेश्वर में चलते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन कब तुम्हें मार दिया जाएगा? अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप परमेश्वर के चुनाव में आ चुके हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, परमेश्वर ने अपना काम दे दिया है आपको, आप वो काम कर रहे हो, तो कब मरोगे? जब तक काम पूरा नहीं करोगे तब तक नहीं मरोगे। ये बात पूर्ण रीति से पक्की है। परमेश्वर में चलने से मौत तो है, प्रभु से खुद बोल रहे मार दिए जाओगे, लेकिन कब? जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता, कोई आपको पूर्ण रीति से वो कभी भी वो नहीं मार सकता। कभी भी काम पूरा होने से पहले, ये देखो प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को लिखना था, जो प्रभु यीशु के चेले थे उनको प्रकाशित वाक्य लिखना था, अभी लिखा हुआ नहीं था, दर्शन हुआ नहीं था, और रोम के बादशाह ने उनको 2 बार उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए। क्या हुआ उनको? कुछ भी नहीं हुआ। चाहे कुछ भी कर आपके साथ, लेकिन परमेश्वर ने जो काम आपके लिए रखा है और आप वो काम ईमानदार से कर भी रहे हो, तो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक मौत जो है वो कभी भी इंसान के पास वो आ नहीं सकती। परमेश्वर जो है वो उसको बचाते रहेंगे, और जब मौत आएगी तब जो भी दुख होगा वो तो हमारे परमेश्वर ने पहले से ही ले लिया है। लेकिन ये सब उन लोगों की बात है कि जो लोग मसीह में है, वरना साउल जो है वो राजा थे, उनको पता चल चुका था, क्योंकि शमूएल के आत्मा ने उनको बता दिया था कल तेरी मौत है, लेकिन वो परमेश्वर में सही से नहीं चलते थे। लड़ाई करने के लिए भी गए, जानते थे मैं मरने वाला हूँ, तो भी लड़ाई करने के लिए गए, भागे भी दुश्मन से, और ऐसा भागे उनको पता चल गया कि अभी ये लोग मुझे मार देंगे, तो जो शस्त्र ढोने वाला था उसको कहा कि भाई तू मुझे मार दे, और उसने डर कर कहा नहीं, मैं आपको नहीं मार सकता, और तब शाऊल राजा ने खुदकुशी कर ली, उनको खुद मरना पड़ा, उनको तड़पना भी पड़ा, उनको दर्दनाक मौत सहन भी करनी पड़ी, क्योंकि वो परमेश्वर में सही से नहीं चलते थे। अहाब राजा को देखो, अहाब राजा को भी पहले से बता दिया गया था तू मरने वाला है, अगर लड़ाई करने के लिए गया तो मरेगा, तो भी आइडिया से बेस पर कर लड़ाई करने के लिए गए, लेकिन तो भी वो मार दिए गए, किसी ने तीर मार दिया ऐसे ही, और वो उनके दिल में घुस गया, और तड़प तड़प कर अहाब राजा जो है वो अहाब राजा मर गए। परमेश्वर के लोगों की मौत और जो परमेश्वर में नहीं चलते, दोनों की मौत में आसमान जमीन का अंतर है। मरना तो सभी लोगों को है, चाहे आप मसीह में हो तो भी मरोगे, चाहे आप मसीह में नहीं तो भी मरोगे, चाहे आप परमेश्वर की सारे आज्ञाओं को मानते हो तो भी मरोगे, अगर आप परमेश्वर की सारे आज्ञाओं को नहीं मानते तो भी मरोगे, लेकिन मौत मौत में अंतर है। एक मौत वो है परमेश्वर के अंदर कि आपको दर्द नहीं होगा, परमेश्वर एडवांस में बता भी देंगे अब तुम मरेगा, तेरा वक्त जो है खत्म हो गया, लेकिन जब तक वक्त नहीं आएगा, मतलब कि जब तक परमेश्वर ने जो काम दिया वो पूरा नहीं होगा तब तक आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी मारने की कोशिश करे लेकिन कुछ भी नहीं होगा। और बाइबल में लिखा है
हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, उसका 89 और उसका 48 पद। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हाँ, क्या कोई कब्र में जाने से बचा सकता है अपना को? मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा कहना चाहता है यहाँ पर कि जो भी इंसान इस धरती पर आया है मरेगा ही मरेगा, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसका मरना जो है वो मरना पक्का है। और क्या कभी मौत जो है वो मौत कभी भी बता कर आती है? क्या मौत कभी बोल कर आती है क्या तू रास्ते में आ, मैं तुझे मिलने वाली हूँ? कभी भी मौत जो है वो किसी को बता कर नहीं आती। एक लड़का सुबह अच्छा खासा जॉब पर गया, शाम को उसकी डेड बॉडी आई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो इंसान लड़का वो रास्ते में खत्म हो गया। एक बार देख भाई साहब चर्च में बैठे थे, संडे चर्च में, चर्च भी चल रहा था, तभी उनके ऊपर अटैक हुआ, मतलब कि हार्ट अटैक हुआ, उनको अस्पताल लेकर गए, मर गए। अच्छे खासे चर्च में गए थे, वहाँ पर अटैक आ गया और मर गए। एक भाई साहब तो सिर्फ 39 साल के और प्रार्थना करवा रहे थे कि मुझे औलाद नहीं है, मुझे एक बच्चा हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए। अभी तो बाप भी नहीं बने थे, बाप बनना चाहते थे, अटैक आ गया, मर गए वो। तो मौत जो है वो किसी को भी बोल कर नहीं आते। कभी भी इंसान को पता नहीं चलता कि मौत कब आएगी। और ऐसे जब मौत आ जाती है किसी के जीवन में तो जो परिवार वाले होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता ना क्यों मरेगा। कई बार 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे होते और फिर कोई भी फैसला नहीं किया होता है और इंसान मरने वाला अचानक से मर गया और बाद में बच्चे जो है वो आपस में लड़ते क्यों, मुझे इतना चाहिए, ये मेरा। और बाद में बच्चे जो है वो आपस में लड़ने लगते। लेकिन अगर उस इंसान को पता होता तो सब लिख कर जाता ना, सब दे कर जाता ना, लेकिन उसको पता नहीं होता। इसलिए ऐसा ही होता है, एक बहन का पति मर गया, 2 बच्चे थे और तब उनको पता चला कि उसके पति की तो एक और भी पत्नी है और बाद में दोनों के बच्चों के अंदर, दोनों पत्नियों के अंदर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। बोले मुझे दे दो, मैं उसकी पत्नी, ये मेरा। लेकिन अगर उस इंसान को पहले से पता होता तो सब लिख कर जाता ना, तय कर जाता ना, ऐसा करना है। इंसान को पता नहीं चलता। लेकिन यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और उसका 18 और 19 पद। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। हाँ, प्रभु उस पत्रस से कह रहे कि पत्रस तू जवान था और तू जहाँ जहाँ जाना चाहता था वहाँ जा सकता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, तू अपना हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। हाँ, दूसरा तू से बांध कर जहाँ तू नहीं जाना चाहता वहाँ वो तुझे लेकर जाएगा, वहाँ जबरदस्त से लेकर जाएगा। फिर उसने इन बातों से संकेत दिया। हाँ, प्रभु सुने पत्रस को इस बात से ये संकेत दिया कि पत्रस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, कि पत्रस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। देखो, पत्रस को परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि पत्रस तू मरेगा, लेकिन कब? बूढ़ा होगा तब पता चल गया पत्रस को कि वो अभी नहीं मरने वाला, वो तो बूढ़ा होगा तब वो मरेगा और ऐसी मौत मरेगा कि उससे परमेश्वर की महिमा होगी। मतलब मसीह में होकर मरेगा, मतलब स्वर्ग में जाएगा। दोनों बातें पत्रस के लिए पहले से थी,
मूसा जब 120 साल के हुए तब परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा मेरे पास आ जाओ, ऊपर नेबो नाम का जो पहाड़ था उसके ऊपर परमेश्वर को बुलाया, लो मूसा ऊपर आ जा, आज तेरी मौत है। और मूसा 120 साल की उम्र में पहले से उनको पता चल गया कि अब उनकी मौत है और उनको जो भी करना था वो उन्होंने काम पहले से कर दिया। यहोशू का अभिषेक कर दिया, लोगों को बोल दिया देखो मैं तो जा रहा हूँ लेकिन अभी यहोशू तुम्हें संभालेंगे, यहोशू तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। एडवांस में पता हो इंसान को मौत के बारे में तो वैसा कुछ कर भी सकता है, लेकिन पता ही ना हो तो। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को बता दिया था, परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो मूसा को भी बता दिया था। एक बार तो एक राजा था हिजकिय्याह, बीमार हो गया था, बेड के ऊपर था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसका पहला ही पद, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। हाँ। और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा। हाँ। अभी जो हिजकिय्याह नाम का राजा था वो बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो परमेश्वर का वचन यशाया भविष्यवक्ता के पास आया। यशा को बोला ऐसा तू जा हिजकिय्याह को जाकर बोल दे जो भी तुझे वसीयत बनाने बना दे, बोले तू मरने वाला है, जो भी तेरा घर का बंदोबस्त कर रहा है जो भी कर रहा है कर दे, जो भी लिखा पढ़ी करनी है जिसको जो तेरा दे दे, तू मरने वाला पक्का है। और यशाया वहाँ पर गए एडवांस में बता दिया कि हिजकिय्याह तू तो मरने वाला है। अब यशाया तो बोलकर वहाँ से निकल गए, लेकिन हिजकिय्याह ने रोते हुए प्रार्थना की परमेश्वर मुझ पर दया करो, पापों की क्षमा मांगी, तो परमेश्वर को तरस आ गया। तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला, हम पढ़ते उसका 6 वाला पद, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हाँ, परमेश्वर ने इस राजा की आयु हिजकिय्याह की आयु 15 साल और बढ़ा दी। अभी ध्यान समझना, इसको एडवांस में बोल दिया तू मरेगा वसीयत बनाने बना दे, पीछे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन अभी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर 15 साल और दे दिए। अभी भी इसको डेट तो पक्की मालूम है ना कि 15 साल के बाद ये तारीख ये महीना ये साल मैं मरने वाला हूँ। साथ में उसको ये भी मालूम है कि तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। हिजकिय्याह को अपनी मृत्यु की तारीख 15 साल पहले से उनको पूर्ण रीति से पक्का याद है, ये 15 साल में वो कुछ भी कर सकते, किसको क्या देना कितना देना कैसा कर रहा है सब जो है वो कर सकते। क्या सही में ऐसा संभव है, क्या सही में ऐसा हो सकता है कि एडवांस में लोगों को पता चल जाए, एडवांस में लोगों को ये बात पता चल जाए कि वो कब मरने वाला है कैसे मरने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मूसा को पता चला पतरस को पता चला, कैसा हो सकता है कि पौलुस को पता चल गया मैं अब मरने वाला हूँ और मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, क्या सही में ये बात जो है मुमकिन है। एक बार किसी के साथ मेरी बातें चल पड़ी और बातें जो चल पड़ी थी वो थी बपतिस्मा को लेकर। मैंने बोला कि बपतिस्मा ऐसे नहीं लिया जाता, बपतिस्मा लेने से पहले पश्चाताप मतलब कि मन फिराना जो है वो जरूरी है। बपतिस्मा से पहले मन फिराना वो जरूरी है, पश्चाताप करना या तौबा करना या मन फिराना जो है वो जरूरी। उनका सवाल था कि पश्चाताप मतलब क्या है, मन फिराना मतलब क्या। और अगर आप बाइबल में भी देखो ना तो बाइबल में भी कहीं पर इतना स्पष्ट नहीं लिखा है कि पश्चाताप मतलब ये बात है, लेकिन फिर भी बाइबल में कहीं पर भी कोई भी बात छिपी भी नहीं रखी। बाइबल सब कुछ स्पष्ट करता है, बस हमें देखने आना चाहिए, पवित्र आत्मा की आंखें जो है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए तो हमें पता चल जाता है। और मत्ती में ऐसा लिखा, मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 41वां पद,
मत्ती 12:41 निनवे के लोग न्याय के दिन, निनवे के लोग न्याय के दिन मतलब आखिरी दिन, इस युग के लोगों के साथ उठकर, इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना का, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर, हाँ योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। अभी ध्यान समाधक, प्रभु ने ऐसा कहा कि निनवे के लोगों ने मन फिराया, निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। लेकिन क्या किया उन्होंने, मन फिराया मतलब क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन हम योना के पुस्तक में चलते हैं, योना का पुस्तक उसका 3:5-9 योना 3:5-9 तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट उड़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर राज ओढ़ लिया और राज पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढंडेरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों दांत ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि निनवे के लोगों ने क्या किया। यहाँ पर निनवे के लोगों ने 9 बातें की, उस 9 बातों को प्रभु यीशु ने एक शब्द दिया, मन फिराया या तो पश्चाताप। ये 9 बातें क्या थी, जैसे ही योना ने वहां पर प्रचार किया, सबसे पहले निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। दूसरी बात उन्होंने की उपवास का ढिंडोरा, वो सभी को बोल दिया सभी लोग उपवास करें, क्यों, पापों की क्षमा चाहिए, जीवन चाहिए, और उन लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया। 40 दिन 40 रात लगातार उन्होंने खाया नहीं पिया नहीं। तीसरी बात इन लोगों ने की सभी लोगों ने टाट पहना, और टाट पहनने का मतलब होता है कि संसार की उपलब्धियां जो है, संसार की जो ऐसी बातें हैं, सुविधाएं हैं कि जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकता, उसको टीवी चाहिए, उसको इंटरनेट चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, जो भी उसमें दुष्ट बातें आती है उसमें उसको जीवन चाहिए, फिल्में चाहिए या मौसम चाहिए, ऐसा पहरावा चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। चौथी बात उन्होंने ये की कि जो राजा थे वो राजा अपनी गादी पर से उठ गए, मतलब कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। परमेश्वर में किसी का कोई पद नहीं होता, वहाँ पर सब लोग एक समान होते हैं, वहाँ पर घमंड करने वाली कोई बात नहीं होती। पांचवी बात इन लोगों ने ये कि राजा ने राजकीय जो उसका ओढ़ना था, उसका पोशाक था, वो उतार दिया, उसका कुर्ता निकाल दिया। ये एक अधिकार दर्शाता है, अधिकार छोड़ दिया, मतलब परमेश्वर में आने के बाद हमारे पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, हमें अधिकार छोड़ना चाहिए। अधिकार छोड़ना चाहिए मतलब अगर जो हमारा हक होता है अगर हमें नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। उसके बाद ये सभी लोग राख में बैठ गए। छठवीं बात, राख में बैठना मतलब कि नम्रता को धारण करना, इन लोगों ने नम्रता को धारण किया। सातवीं बात है कि कोई कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना पिए, वो तो उपवास था ही, लेकिन ये बात ये कहना चाहती है कि सिर्फ परमेश्वर का कहा हुआ करो और किसी की मर्जी को पूरा मत करो, तुम्हारे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। फिर उन्हें आठवीं बात यह कि परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, प्रार्थना कैसी, जो सुनाई दे, बड़ी बड़ी वचनों को लेकर प्रार्थना करनी चाहिए ऐसी नहीं, दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थना करनी चाहिए ऐसी नहीं, लेकिन ऐसी प्रार्थना जो धूप के समान हो, परमेश्वर के पास पहुंची जाए और वहां से आशीष लेकर वापस आ ही जाए, ऐसी प्रार्थना। और नौवां काम उन्होंने ये किया, अपने बुरे काम उन्होंने छोड़ दिए। ये 9 काम को प्रभु यीशु ने एक ही शब्द दिया और वो शब्द ये था, मन फिराना।
और सभी लोगों ने जब पतरस का प्रचार सुना था तो पतरस के पास आकर बोलने लगे, पतरस अब हम क्या करें। तो पतरस ने ऐसा बोला, हाँ प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 38वां पद, कि मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। तो पवित्र आत्मा मिले उसके लिए बपतिस्मा की जरूरत है, और बपतिस्मा पाने के लिए पहले पश्चाताप, मन फिराना, मतलब कि ये नौ बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए। क्या ये पश्चाताप, मन फिराना, क्या बपतिस्मा लेने के लिए ही है? बपतिस्मा ले लिए आप जैसा जीवन जीना हो ऐसा जीना है? नहीं, पश्चाताप हर रोज के लिए, पश्चाताप हर पल के लिए, पश्चाताप मर जाओ तब तक है। उसी पश्चाताप में, उसी मन फिराने के अंदर इंसान को जो है वो जीवन जीना है। लगातार उसको पश्चाताप के अंदर, मतलब नौ बातों के अंदर उसको जीवन जो है वो जीवन जीना है। ये पश्चाताप हर रोज के लिए है, पश्चाताप एक दिन के लिए नहीं होता, लेकिन पश्चाताप मर जाओ तब तक। और ये पश्चाताप वाला, मन फिराने वाला जो जीवन है वो ही सच्चा और मसीही जीवन है। और जब इंसान मसीही जीवन जीता है तब उसके जीवन में कुछ भी अचानक सा नहीं होता है, कोई भी बुरी बात उसके साथ अचानक से नहीं हो सकती, उसकी मौत अचानक से नहीं हो सकती। बाइबल में देखो परमेश्वर के कितने भी दास हैं, कोई भी अचानक से नहीं मर गया। किसी की भी मौत एक्सीडेंट में या सरसा अचानक से नहीं होती। अब क्या होता है, कुछ भी होता है तो हमारे परमेश्वर जो है उसको एडवांस में बता देते हैं। पश्चाताप वाले जीवन में अगर आप जी रहे हो, नौ पॉइंट में अगर आप जीवन जी रहे हो, मन फिराने वाला जीवन आप हर रोज जीवन जी रहे हो, तो यही सच्चा मसीही जीवन है। और ऐसा जीवन जो जीता है उसके साथ अचानक से कुछ भी बुरी घटना नहीं होने वाली, लेकिन उसके साथ जो भी होगा परमेश्वर उसको बताते रहेंगे। क्योंकि आमोस नबी के पुस्तक में ऐसा लिखा है, आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 7वां पद, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए भी न करेगा। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि हमारे परमेश्वर अपने दासों के ऊपर अपना भेद प्रकट किए बिना वो कुछ भी नहीं करेंगे। मैं जो भी करना है पहले भेद को प्रकट करेंगे, पहले लोगों को बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। पौलुस कैसे बोल सकते हैं अब मेरी मौत आने वाली है, मेरा जाने का वक्त हो गया, परमेश्वर ने बता दिया। कैसे पतरस को बता दिया, पतरस तो बूढ़ा हो जाएगा तब इस तरह से तुझे मार दिया जाएगा। कैसे अब उस मूसा को बता दिया, मूसा ऊपर आ जा तेरी मौत है, जो भी करना है कर दे। किस तरह से परमेश्वर ने यशायाह नबी के जरिए हिजकिय्याह राजा को बता दिया कि 15 साल लगेंगे उसके बाद तू मरने वाला है। एडवांस में हमारे परमेश्वर अपने दासों को एडवांस में अपनी बातें जो है बता देते हैं, उनको पता कर देते हैं, मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ, अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अब तुम्हारे साथ वैसा होगा। परमेश्वर जो है वो एडवांस में वो बता देते हैं। और उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय उसका 15वां पद, तू तो अपने पितरों में परमेश्वर अब्राहम से कह रहे, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। हाँ, अब्राहम को बोला कि अब्राहम तो अपने पितरों के साथ, मतलब अपने बाप दादाओं के साथ कुशल से शांति से मिल जाएगा, मतलब शांति से मर जाएगा, पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। हाँ, तो पूरे बुढ़ापे में मर जाएगा, पूरे बुढ़ापे में तुझे मिट्टी दी जाएगी, मतलब तू बहुत ही बूढ़ा हो जाएगा तब मरेगा। कितनी बड़ी बात है। और अब्राहम 175 साल के हुए तब वो मर गए। परमेश्वर एडवांस में अपने लोगों को जो है वो बता देते। आज क्या है, किसी को कुछ पता नहीं चलता, आज किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये कैसे हो गया, ऐसा होता है आज तो। आज किसी को पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है।
अभी एक दुकान वाले से मैं मिला और उन्होंने बात बताई मुझे, बोला हम तो बहुत जोखिम में है। क्या हुआ? बोले कोरोना चल रहा है, हमारी सारे कमाई दुकान के ऊपर है। अभी कितने कस्टमर आते हैं, कौन कैसा कस्टमर है क्या पता, कौन कैसे हाथों से हमें छू जाए, कौन कैसे हाथों से हमें पैसा दे कर जाए, कहीं इसमें कोई कोरोना वाला आ गया तो। बोले हम तो पूरे जोखिम में, सैनिटाइजर लेकर घूमते हैं, बार बार हाथ साफ करते हैं, लेकिन फिर भी बोले एक डर लगा रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या हो जाएगा। कितनी बड़ी बात, नहीं पता इनको एडवांस है कि क्या होगा उनके साथ, ऐसा नहीं होगा तेरे साथ, कुछ नहीं पता है, डर कर जीवन जीते। एक भाई साहब की पत्नी नर्स में, और वो भी कोरोना वार्ड में, वहाँ पर वो जॉब कर रही। भाई साहब ने मुझे बताया कि जब मेरी पत्नी का आने का वक्त होता है छुटकर, तब हम लोग क्या करते हैं, घर के सारे दरवाजे खुले कर देते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला कर देते हैं, वहाँ पर मेरी पत्नी के सारे कपड़े हम रखते थे, और बस पत्नी को वहाँ पर आना है, किसी को कहीं पर भी हाथ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं छूना है, डायरेक्ट सीधा बाथरूम में जो कपड़े पहन कर गई थी उसको वहाँ पर धो देना है, और वहाँ नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन कर आना है, फिर हम सेफ हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, उनके साथ अचानक से कुछ भी नहीं हो सकता। आज लोगों को नहीं पता चल रहा है कब क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, आज मेरे साथ क्या होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। क्योंकि आज जो वचन हमने पढ़ा था लुका उसका 13वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से 5 पद, और वहाँ पर ऐसी बात लिखी हुई है, हम पढ़ते उसका पहला ही पद। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलियों की गलीलियों की चर्चा करने लगे। हाँ, कुछ लोग आए और प्रभु उससे कहने लगे गलीलियों के बारे में, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। हाँ, हेरोदेस पिलातुस ने कि कुछ लोगों को मार दिया था। हाँ, यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा। हाँ, जो लोग मर गए थे उनको पता भी नहीं था कि हम लोग मरने वाले, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ, उन सभी को तलवार से काट दिया गया। और तब ये सारी बातें जब प्रभु को सुनाई दी तो प्रभु ने ऐसा कहा उनको, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? हाँ, क्या तुम ऐसा समझ रहे हो कि जिन लोगों को काट दिया गया, जिन लोगों को तलवार से मार दिया गया, वो ज्यादा पापी थे, इस कारण उनको मार दिया गया? हाँ, कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। बोले उनको नहीं पता था कि उनकी मौत आ गई थी, वो तो बेचारे यज्ञ कर रहे थे, बलिदान दे रहे थे, और तभी उनको काट दिया गया। वो तो घर से बलिदान देने के लिए निकले थे, अच्छा काम करने के लिए निकले थे वो तो, उनके हिसाब से, और तभी उनको मार दिया गया, उनको पता भी नहीं चला कि आज हम मरने वाले। तो प्रभु उसको बोलते हैं कि तुम लोग भी मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारा नाश भी इसी तरह से एक दिन हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंट में या तलवार से या किसी तरह से, लेकिन आप ऐसे ही मर जाओगे। इसका मतलब अगर उल्टा सोचे, उल्टा मतलब वचन से उल्टा नहीं, इस बात से थोड़ा उल्टा सोचे, इसका मतलब प्रभु से कहना चाहते मन फिरा लोगे तो आपकी मौत ऐसे नहीं होगी, ये स्पष्ट हो गए। अगर आप भी मन नहीं फिराओगे तो आपकी मौत भी ऐसे हो सकती है, आप भी ऐसे मर जाओगे, हो सकती है कि स्पष्ट बोल दिया हो ही जाएगी, कभी ना कभी ऐसे ही मर जाओगे, लेकिन मन फिराओगे इसका मतलब ये होगा कि मन फिराओगे तो फिर तो बच सकते हो, फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आगे बढ़ो, क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ या क्या तुम समझते हो कि 18 जन जिन पर सिरों का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। बोल, यरूशलेम में ऐसा हुआ, बुरा जो घुमट लोगों के ऊपर गिर गया और उसमें से 18 लोग मर गए। इनको कहाँ मालूम था?
कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक बार भाई साहब ऐसे ही मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक पेड़ था, अच्छा खासा पेड़ था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, कोई ऐसी नौबत नहीं थी, कोई ऐसी हरकत नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, कोई बरसात नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे वो पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे, काफी बड़ा पेड़, तभी गिर पड़ा, सर से लेकर पांव तक सारी हड्डियां उनकी टूट गई, सारी हड्डियां टूट गई, चंगे तो हो गए, बरसों लग गए, लेकिन अभी भी सही से ना बोल पाते ना चल पाते, ऐसी हालत है। कुछ भी नहीं मालूम था कि ऐसा हो सकता है। इन लोगों को कहां मालूम था कि हम जाएंगे और ऊपर से घूमट ऐसे ही गिर जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। 18 लोग मर गए। तो प्रभु से ने बोला कि अगर तुम लोग भी मन नहीं फिराओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तुम्हारी मौत भी ऐसे ही हो जाएगी। ऐसे ही मतलब घूमट गिरेगा, ऐसा नहीं, अचानक से आपको पता भी नहीं होगा, किसी भी रीति से आप मर जाओगे और नर्क में चले जाओगे। तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि प्रभु से कहना चाहते कि मन फिराओगे, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। मतलब यहाँ पर दो तरह के लोगों की बात दिखाई देती है, एक वो लोग जिन लोगों ने मन फिराया, एक वो लोग जिन्होंने मन नहीं फिराया। एक वो लोग जिन्होंने मन फिराया मतलब वो नौ बातें उनमें आ गई और अभी भी उन नौ बातों के अंदर ही जीवन जी रहे, और ऐसे लोग कि जिन्होंने मन भी फिराया होगा, नौ बात अपने अंदर ली भी होगी लेकिन अब नहीं रखी है अंदर, वो भी पुराने के जैसे हो गए। ये वाले लोग कभी भी मर सकते, किसी भी तरह की मौत मर सकते और मरने के बाद नर्क भी पक्का है। लेकिन जो मन फिराने के अंदर चलते, उस नौ पॉइंट के अंदर आज भी चल रहे, उनको एडवांस में परमेश्वर बता देंगे, और उनको परमेश्वर ने वचन से ये तो बता ही दिया कि तू अचानक तो नहीं मरेगा। हाँ, परमेश्वर के नाम से तुझे कोई गोली मार सकता है, परमेश्वर के नाम से कोई तेरी गर्दन काट सकता है, लेकिन वो भी कब, जब तेरा काम खत्म हो जाएगा तब। उससे पहले तो किसी की ताकत नहीं, चाहे तलवार मारे, चाहे पथराव करे, कुछ भी करे, तुझे कुछ नहीं होने वाला है। और जब तू मर भी जाएगा तो दर्द तो मैंने उठा ही लिया, तुझे कुछ नहीं होने वाला, और किसी बीमारी में तो तू मरने ही वाला नहीं। कितनी स्पष्ट बात है। आज लोग चारों ओर सब डर रहे, बीमारियों से भाग रहे, किसी को मालूम नहीं कल मेरा क्या होगा क्या होगा। तब परमेश्वर आज हमें अपने वचन से बहुत स्पष्ट बता रहे, मन फिराओ और उसी के अंदर जीवन जियो, आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं होगा। आप मरोगे उससे पहले मैं बता दूंगा, आपका दर्द मैंने ले लिया है, कितना बिंदास से जीवन जियो। कहीं पर भी जाओ, डर किस बात का, चाहे सामने से राजा, अभी मेरा काम ही खत्म हो, सिर मुझे क्या करने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। और इसलिए परमेश्वर आज बता रहे हैं, हमें सिखा रहे, मन फिराओ और मन फिराव के अंदर ही जीवन जीते रहो, ताकि आपके साथ अचानक से कुछ भी ना होने पाए। लेकिन ऐसे ही जीवन जियोगे तो अचानक कुछ भी हो सकता है, आप कभी भी मर सकते हो। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। प्रिय, आज प्रभु से ने अपने वचन से हमको सिखाया, पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, उसी के अंदर वो नौ बातों के अंदर का अगर आप जीवन जीतते रहोगे, आपके साथ अचानक कुछ भी नहीं होगा। जब तक परमेश्वर का काम पूरा नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे मारने का भी प्रयत्न करे लेकिन होगा कुछ नहीं। बीमारियों में तो मरोगे ही नहीं, और स्पष्ट बात, लेकिन मन फिराव के अंदर नहीं जीवन जियोगे, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके पीछे वाले उनके जीवन में मालूम नहीं क्या हो सकता है, और इसलिए ऐसा जीवन जीना बंद कर दो, लेकिन मन फिराव के अंदर आप जीवन जियो ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर बने।